नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीडिंग नॉइस कैंसिलेशन हेड के ऊपर में, हेडफोन के ऊपर में। सोनी की, जैसा आपको मालूम है, ईयरबड्स के अंदर में 1000 Mark III आता था। अभी 2022 में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसा आपको सामने दिख रहा है, इट्स ए Mark IV, 1000X Mark IV है। इट्स ए न्यू हेडफोन, न्यू लॉन्चिंग है, जबरदस्त साइज में है, माइक्रो साइज। इसकी साइज बहुत स्मॉल हो गई, जैसा आपको खोल के मैं बताऊंगा। ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ ही आती है, जैसा आप जानते हैं साउंड टेक्नोलॉजी सोनी यूज करता है, DSEE। इसमें DS स्ट्रीम चिपसेट यूज होता है, नॉइस कैंसिलेशन के लिए V1 चिपसेट यूज होता है। इसके अंदर में आप गूगल असिस्टेंट यूज करेंगे, अलेक्सा इन बिल्ट है इसके अंदर में। इसकी प्राइसिंग नियर अबाउट 24990 है, जो ऑफर प्राइस 19,000-20,000 के नियर अबाउट में मिलेगा। इट्स ए प्रीमियर हेडफोन, ये एंट्री लेवल हेडफोन नहीं है। इसमें दो वेरिएंट आएगा दोस्तों, एक ब्लैक में आता है एंड प्लेटिनियम सिल्वर है, दो कलर में आती है। ये जबरदस्त शक्ल सूरत में है, गोल्ड ब्राउन के हिसाब से उसमें रिंग शेप में बहुत सुंदर शेप दिखता है आपको। आप ईयर में फिटेड हो जाता है, लाइट वेट में है। इसका बैकअप जबरदस्त है, 24 घंटे की बैकअप है इसके अंदर में। 8+8 की बैकअप प्लस केस के साथ अगर यूज करते हैं तो आपको 24 घंटा बैटरी बैकअप मिलता है। ये वाटर रेजिस्टेंस के साथ है। तो गाइस अनबॉक्सिंग करते हैं, बने रहिए मेरे वीडियो मेरे साथ में। सो गाइस ओपन करते हैं बॉक्स, चेक करते हैं। जबरदस्त बॉक्सेस है, आपको दिख रहा होगा, बहुत सुंदर बॉक्स का शेप बना हुआ, डिजाइन किया हुआ है। आपको बता के खुशी होगा, ये इको फ्रेंडली है, इसको आप एनवायरमेंट डैमेज नहीं करता है। इसको ओपन करेंगे आप, इको फ्रेंडली बॉक्स है ये। तो ओपन करते हैं, जबरदस्त 1000X सीरीज, इट्स ए सीरीज, क्योंकि 2020-21 में M3 आता था, नाउ M4 हो गया। ये जबरदस्त बॉक्स है, मैं देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। यूजर मैनुअल एंड इसकी सेटअप है, कैसे कैसे आप कॉन्फिगर करेंगे, तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। वाओ, ये डिफरेंट आपको साइजेस दी हुई है, एज पर आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों साइज है, स्मॉल साइज एंड लार्जेस्ट साइज है। एक एक फिटेड है मिडिल साइज में, सो जिसको जैसा फिट होता है वैसा यूज करेंगे। सो गाइस ये ईयर में आपको जैसे ये फोम विद फाइबर फिटेड है, ये रबड़ के साथ है, आप देखेंगे जैसे उसको प्रेस करेंगे तो आपको शेप में बैठ जाता है। सो आपका जैसा कान के अंदर में जैसा सेटअप होगा ईयर के अंदर, वैसा फिटेड हो जाएगा। जबरदस्त, ये सिलिकॉन के साथ फिटेड है, फाइबर के साथ। इसके अलावा इसमें सी टाइप केबल दिया हुआ है, जैसा आप देख रहे होंगे USB-C टाइप केबल दिया हुआ है, इसे आप अपना हेडफोन चार्ज करेंगे, उसके जो चार्जिंग बॉक्स केस है उसको चार्ज करने के लिए है। साइड करते हैं, जबरदस्त रैपिंग है, एक के बॉक्स के अंदर पैकिंग दिख रहे हैं। भाई साहब जबरदस्त दिख रहा है, सोनी ब्राउन से लिखा हुआ है, गोल्डन ब्राउन से, जबरदस्त स्मॉलेस्ट साइज है, आपको मेरे मुट्ठी में नजर आ रहा होगा, इस वेरी स्मॉल, जैसा फिंगर में आपको दिख रहा होगा सामने प्लम में मेरे, आप फिल करेंगे। बहुत छोटा साइज़ है, बहुत माइक्रो साइज़ में डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अंदर मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको, सी टाइप चार्जर दिया हुआ है, सी से चार्ज करेंगे। प्लस ये वायरलेस चार्जर भी सपोर्ट करता है, किसी भी वायरलेस के ऊपर में, चार्जर के ऊपर में आप प्लग करेंगे, ऑटोमेटिक चार्जिंग उठा लेता है। ये वायरलेस भी सपोर्टेड है एंड सी टाइप से भी आप चार्ज कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे जबरदस्त कलर के साथ है, ये ब्लैक कलर है, ब्लैक के साथ ब्राउन एंड गोल्ड मिक्स आपको दिख रहा होगा, बहुत सुंदर शेप में दिख रहा है, स्मॉल साइज में है। बाहर निकालते हैं और उसको प्लग करके चेक करते हैं। सो गाइस जैसा आप देख रहे हैं, इस वेरी स्मॉल साइज में है, आपके प्लाम में मुट्ठी में आराम से कंफर्टली आ जा रहा है, बहुत छोटा है। ये नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन है, जैसा आपको बताया इंडस्ट्री लीडिंग नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड V1 प्रोसेसर है,
जिसका काम नॉइस कैंसिलेशन पर्पस के लिए है। इसके साथ में ये डुअल माइक है, जैसा आप दिख रहा होगा, एक माइक यहाँ है, एक टॉप में है, टॉप एंड बॉटम माइक दो माइक आता है डुअल सेंसर के साथ में है। ये हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के साथ में है, DSEE स्ट्रीम अप स्केलिंग कंप्रेस म्यूजिक के साथ है, जो नॉर्मली म्यूजिक को अप स्केलिंग करके हाई रेजोल्यूशन में प्रोड्यूस करता है। ये चिपसेट का ये काम है। स्पीक टू चार्ट है, आप जैसे नॉर्मली नॉइस कैंसिलेशन मोड में आप साइलेंट मोड में काम कर रहे हैं और अचानक से कोई सामने आता है उसके आप प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है म्यूजिक और आप सामने बातचीत कर पाते हैं। इसके अंदर में बॉन्ड कंडीशन सेंसर है जो आपके वाइब्रेटेड साउंड को क्लियरिटी करके वो सामने बातचीत कराता है। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग का फैसिलिटी है, जैसा आपको मैंने बताया आप पीछे सी पोर्ट को चार्ज करेंगे और आपको इसको वायरलेस चार्जर पे रख के भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चेंजिंग जो हुई है वो क्विक चार्जर का है। नॉर्मली आप सुन के शॉकिंग होंगे, 5 मिनट में 60 मिनट का चार्जिंग होगा, इट्स अल्टीमेट है, ज़बरदस्त चेंजिंग है इस बात का। इसके अंदर ऑटोमेटिक विंड नॉइस कैंसिल रिडिक्शन भी है, जैसे आप फैन के सामने या बहुत तेज अंधर चल रही है उसके सामने भी बात करेंगे तो आपको विंड को कट करके नॉइस रिड्यूस करके प्रोड्यूस करता है। ये 360 ऑडियो प्रोड्यूस करता है, इसको आपको प्ले करके मैं बताऊंगा कैसे वर्क करता है। सो गाइज, इसका एप्स जो एप्लीकेशन है उसके साथ वर्क करते हैं, उस पर बात करते हैं। सो गाइज, ऐप्स डाउनलोड कर लेंगे, हेडफोन कनेक्ट करके ऐप्स है, आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओपन करेंगे ईयरबड्स को, ओपन करेंगे, निकालेंगे बाहर चार्जर बॉक्स से। आप जस्ट बॉक्स से बाहर निकालेंगे, ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चला जाता है। कनेक्ट हो गया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा मार्क 4 में 99.86% चार्ज दिखा रहा है, लेफ्ट एंड राइट का डिफरेंट बैटरी बैकअप आपको दिखाता है। आपके चार्जर जो केस है उसकी भी चार्जिंग कैपेसिटी दिखा रहा है, 43 है। सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आपको मिलते रहता है कि आपका केस कितना चार्ज है, लेफ्ट राइट आपका ईयरबड कितना चार्ज है, इससे आपको पता चलते रहता है कौन सा म्यूजिक क्या प्ले कर रहे हैं, आपको वो सामने दिखता है। सो गाइज, इसमें साउंड सेटिंग में आ जाते हैं, आप नॉइस कैंसिलेशन जैसे आपको दिख रहा है, नॉइस कैंसिलेशन की क्या क्या सेटिंग है सारा सेटअप आपको दिख रहा है। नॉइस कैंसिलेशन आप ऑन रखेंगे, एम्बियंट साउंड में जाना है आपको, ऑफ कर देना है, दोनों चीज़ें ऑन ऑफ रखनी है, नॉर्मल हेड ईयरबड्स की तरह यूज़ करना है। सो नॉइस कैंसिलेशन ऑन रखते हैं। इसके अंदर में ऑटोमेटिक विंड नॉइस रिडक्शन है, जैसे आप ऐसे कोई जगह पे चले गए हैं जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है या किसी फ़ैन के पास बैठे हैं तो आप जस्ट इसको ऑन कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका फ़ैन का विंड का आवाज़ गायब हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जब तक आप ईयरफोन लगा के आप करेंगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा। इट्स ऑल वर्क करता है, काम करता है, ये प्रीमियर हेडफोन है। अब यहाँ आ जाएंगे, सिस्टम के अंदर में सेटिंग है, गूगल असिस्टेंट है, ये अपन अभी करके दिखाएंगे आपको, गूगल असिस्टेंट अलेक्सा है, इसके अंदर कैसे वर्क करता है उसके ऊपर में बात करेंगे। सो गाइज, मेजर चीज बताना भूल गया मैं आपको, इसके अंदर में ओन ट्यूटोरियल दिया हुआ है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस ट्यूटोरियल के थ्रू मिल जाएगा कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, बिकॉज ये सिंपल ईयरबड नहीं है, इट्स ए प्रीमियर। आपको ईच एवरी मोमेंट टच करने का, हर मतलब में अलग अलग डिफरेंसेस है, जैसा आपको दिख रहा है ये फिटिंग बता रहे हैं हम यहाँ पे, इससे आप कैसे ईयरफोन बिट सेटअप करेंगे वो चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे सिंगल टैप करने से प्ले एंड पॉज होना है, डबल टैप करने से नेक्स्ट सॉन्ग के लिए जाएंगे, रिसीव कॉल के यूज़ करेंगे डबल टैप करने, ट्रिपल टॉप करेंगे प्रीवियस सॉन्ग आप प्ले कर पाएंगे दोबारा, एंड स्लाइड करने से आप जस्ट उसके ऊपर में स्लाइडिंग करेंगे, स्लाइड करने से आप लॉन्च वॉइस असिस्टेंट यूज़ करेंगे, उसको टैप करके रखने से, उसको टैप करके रखने से आप रिजेक्ट भी करेंगे, कंटिन्यूस आप प्रेस करके रखते हैं तो आप कॉल रिजेक्ट भी होता है।
इसमें जो ऑप्शन है आप गो थ्रू करेंगे, इससे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये ट्यूटोरियल बहुत यूज़फुल है क्योंकि याद रहना नहीं है आपको क्या चीज़ें कैसे करनी है, वो यहाँ से बहुत कम्फर्टली आप जान पाएंगे। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको मैंने इसकी स्टेटस में बताना चाहूँगा, ये स्टिंग आई मीन अभी मैं चेयर पे बैठा हूँ, जैसा मैं ईयरबड यूज़ कर रहा हूँ तो आपको स्टिंग की स्टाइल में दिखा रहा है। आप इसमें बहुत सारे मोड हैं, जैसा आप दिख रहे हो वॉकिंग में है, रनिंग में है एंड ट्रैवल के लिए हिसाब से है। तो आप जिस मोड में रहेंगे मैं आपको एक डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। मैं एक बार खड़ा होकर चल के दिखाता हूँ आपको, इमीडिएट चेंजिंग होगी और चेंज होके वो आपको दिखेगा कि मोड चेंज कर लिया इसने। गाइस आप यहाँ देख रहे होंगे अभी सिटिंग अरेंजमेंट से मैं वॉक करके आया हूँ, ये डिटेक्ट किया है मेरा वॉकिंग दिख रहा है। आई मीन आप कार में हैं तो कार का मूवमेंट दिखाएगा, उसके अनुसार आप ईयरबड आपका एक्ट करेगा उस इमेशन को, आपको उसके अनुसार उस सीनरी को देखते हुए आपका ऑडियो प्रोड्यूस करेगा। इसमें जो सेंसर लगा है इसका कमाल है ये। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मेजर चेंजिंग आपको है वो स्पीक जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंसर ऑन हो जाता है, स्पीक टू चैट है। नॉर्मल जैसे गाना आप सुन रहे हैं और अचानक से सामने कोई आता है, आप जब भी वॉइस कुछ निकालेंगे वो ऑटोमेटिकली पॉज में चल जाएगा, गाना आपका बंद हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई करते हैं इसको, एक गाना प्ले करते हैं इसमें। यस हेलो, आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये गाना पॉज हो गया, मैं जो गाना सुन रहा था वो पॉज हो गया। ये आपको करके देखना होगा, जब आप ये डेमो करेंगे तभी ये समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी गाना चल रहा था, जैसे ही मैं कुछ बोला हूँ वो गाना पॉज हो गया। इट्स अल्टीमेट है, अल्टीमेट फील है ये। ये नॉर्मल हेडफोन नहीं है, इसको नॉर्मल हेडफोन की तरह मत लीजिएगा आप। ये 1000X Mark IV है, ये सोनी का लीडिंग नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन है, अपने आप में अल्टीमेट सारी चीज़ें हैं। समथिंग एजूबा काइंड ऑफ दिखता है, जैसे आप मैं फील करके आपको बता सकता हूँ। सो गाइज ये 360 साउंड सेटअप है जो एनालाइजिंग एयर सेप है, इसको आपको करना होगा। इसमें आपका ईयरबड्स के दोनों लेफ्ट एंड राइट का मूवमेंट चेक करता है और उस हिसाब से आपको सेटअप करके रखता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता करने में, मैंने कर सेटअप कर लिया है, रीइंस्टॉल करने में फिर दिक्कत होगा। उसके अंदर में आप नॉर्मली ईयर्स को लेफ्ट एंड राइट करेंगे वो रिकॉग्नाइज करता है, कैमरे से उसका स्नैप्स लेके रखता है। इसको सेटअप करने के बाद आप बाकी का सेटअप उसके अनुसार वर्क करता है। DSE स्ट्रीम ऑटो ऑन है, आई मीन कोई भी गाने को आप स्केलिंग करके हाई रेजोल्यूशन ऑडियो में आपको प्रोड्यूस करता है। सो नॉर्मल गाना भी जो आपको हेडफोन में नॉर्मली आप सुनते हैं उसके ये इन्हांस करके आपको सुनाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंसेस समझ में आता है कि ये जबरदस्त सॉन्ग बज रहा है, ये हेडफोन का कमांड होगा। सो गाइज इसके आगे चलते हैं। इसमें गूगल असिस्टेंट यूज़ करके आपको बताता हूँ कैसे वर्क करता है। बाकी सेटिंग नॉर्मल है, जो सेटिंग है जो कॉन्फ्रेशन है, तो गूगल असिस्टेंट एक बार इंजॉय करते हैं। टर्न ऑफ फैन, सो गाइस ये गूगल असिस्टेंट के थ्रू मैंने फैन बंद किया, इट्स जबरदस्त काम कर रहा है। सो गाइज जैसा गूगल असिस्टेंट का सेटिंग आपको दिख रहा है, वॉइस फंक्शन विद द मोबाइल आप गूगल असिस्टेंट सेटिंग करेंगे, एलेक्सा इसके अंदर में, एलेक्सा भी सेट कर सकते हैं। सो बोथ अब काम करता है, अल्टीमेट काम करता है, उसके साथ आप सेटअप कर लेंगे जबरदस्त काम करेगा उसके साथ में। सो बहुत सारी सेटिंग है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है इसमें, आप जैसा पूछेंगे मैं कमेंट्स के थ्रू आपको डिटेल करूँगा। इससे अल्टीमेट ईयरबड्स है, ये WF1000XM4 है, ये मॉडल न्यू मॉडल है, 2022 का न्यू लॉन्चिंग है सोनी की तरफ से। ये V1 प्रोसेसर न्यू प्रोसेसर है जो नॉइस कैंसिलेशन के लिए लॉन्च हुई है ये प्रोसेसर। इसमें सेंसलेस इंजन है,
डुअल माइक जैसा आपको बताया है, माइक के साथ है, हाई रेजोल्यूशन वायरलेस ट्रांसमिशन इसकी कैपेसिटी है। सो नॉर्मल ऑडियो को भी इन्हांस करके आप स्केलिंग करके आपको जबरदस्त साउंड प्रोड्यूस करता है। ये DSEE स्ट्रीम ऑडियो चिप्स के साथ आता है। सो इन्हीं सॉन्ग्स को आपको कुछ भी मिसिंग नहीं होने देता है। सो अल्टीमेट साउंड प्रोड्यूस करता है आपको। ये बैटरी केस जो आपको दिख रहा है चार्जर के साथ अगर यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट दो बार अगर यूज़ करते हैं तो 32 आवर्स बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट मिलता है, ऐसा कंपनी क्लेम करता है। मैंने उतना चेंज नहीं किया है, उतना देर तक यूज़ करना पड़ेगा। सो पता चलेगा आपको कितना काम करता है। सो गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।